ये हमारा कैपेसिटर है, और जहां पर वाला कैपेसिटर दोनों साइड से बीप करता है, बीप करेगा, एक साइड बीप नहीं करेगा। अगर बीप कर रहा है इसका मतलब आपका कॉइल, अगर आपने इस थ्योरी को समझ लिया, मतलब समझे आप मॉस्फेट को समझ गए, अगर आप ये नहीं समझे हैं तो मुझे नहीं लगता आपको जिंदगी में कोई समझा पाएगा कि एन चैनल पी चैनल कैसे बचे। बता दूं, अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक नहीं पता है क्या होता है, तो वो लैपटॉप में लगे सारे कंपोनेंट्स हैं जितना आप देख रहे होंगे यहाँ पर ना, जैसे यहाँ पर ये कंपोनेंट लगा है, ये लगा हुआ है, ये कॉइल लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप डायोड लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा है। ये इस कैपेसिटर को क्या बोलते हैं, टेस्टिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके हम चेक करते जाएंगे। सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कैपेसिटर। मैं यहाँ पर नोट डाउन भी कर रहा हूँ और आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले हमारा कैपेसिटर। अब कैपेसिटर को टेस्ट कैसे करते हैं और कैपेसिटर को पहचानना कैसे है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। ये छोटे छोटे पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि आपको दिखा दूँ, ये दिख रहे हैं छोटा सा, ये हमारा कैपेसिटर है। और जहाँ पर भी कैपेसिटर होगा वहाँ पर उसे सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जहाँ पर ये सी लिखा हुआ है मतलब समझ जाइए कैपेसिटर है। जैसे कि देख सकते हैं ये भी हमारा एक सिलेंडर कैपेसिटर है, सी लिखा हुआ है। मैं जूम करके दिखा दूँ आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा वर्ड, यहाँ पर देखेंगे आप, ये देखिए सी से प्रेजेंट किया गया है, ये कैपेसिटर है, यहाँ पर सी से प्रेजेंट किया गया। अब बात ये आती है कि इसको टेस्ट किस तरह से करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, कैपेसिटर को चेक करना है तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर को सेट कर दीजिए आप बीप रेंज में। ये देखिए ये जो यहाँ पर आप लोगों देख रहे हैं ये डायोड का है, बीप का जो होता है ऐसा साउंड का रहता है, तो क्लिक करेंगे ये बीप रेंज में आ गया है। अब कैपेसिटर को चेक करने के जितने तरीके हैं आपको बता देता हूँ। सबसे आसान तरीका जो है आपको यूज़ करना है, ये ब्लैक वाला ग्राउंड है और रेड वाला ये आपका वोल्टेज चेक करने के लिए होता है, या तो प्लस चेक करने के लिए होता है। तो आपको इसे ग्राउंड पर रखना है, जो ये आप देख रहे हैं राउंड बना हुआ है इसके अंदर इसे घुसा दीजिए, ये हो गया। अब कैपेसिटर को चेक करने के लिए एक साइड आपको रखना है, तो एक साइड बीप करेगा, एक साइड बीप नहीं करेगा। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो कैपेसिटर ओके है। चलिए चेक करते हैं, ये बीप रेंज में हमारा साइड है, ये बीप कर रहा है, सेकेंड साइड पर बीप नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमारा कैपेसिटर ओके है। अगर दोनों साइड बीप करेगा तो कैपेसिटर फॉल्ट है। उसी तरह यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं सिलेंडर कैपेसिटर में, ये देख सकते हैं ये बीप करा, अब सेकेंड साइड बीप नहीं करना चाहिए, ये देख सकते हैं ये बीप कर रहा है, ये दोनों साइड बीप कर रहा है, मतलब ये हमारा फॉल्टी है। एक और कैपेसिटर मैं आपको चेक करके दिखा दूँ, ये बीप करा, सेकेंड साइड बीप नहीं कर रहा है, मतलब ये कैपेसिटर ओके है। तो आपको पता चल गया कि फॉल्टी वाला कैपेसिटर दोनों साइड से बीप करता है, और जो अच्छा होता है वो एक साइड बीप करेगा, एक साइड बीप नहीं करेगा। अगर पहला आपका डाउट क्लियर हो गया कैपेसिटर को कैसे चेक करना है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉइल को किस तरह से चेक करते हैं। सेकंड मैं आपको नोट डाउन कर लेता हूँ, और आपको यहाँ पर लिख के भी आपको ये भी बता दूँ, जहाँ पर कैपेसिटर होगा उसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड हमारा आता है कॉइल। कॉइल को पहचानने का तरीका क्या है, जहाँ पर भी कॉइल होता है दोस्तों वहाँ पर उसे प्रेजेंट करते हैं एल से। अब देखिए जहाँ पर भी L लिखा होगा इस तरह से, वहाँ पर जो लगा है उसे कॉइल कहते हैं। ये देखने मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, यहाँ पर ये देखेंगे यहाँ पर L लिखा हुआ है और यहाँ पर एक कंपोनेंट देख रहे हैं, यही हमारा कॉइल है। अब कॉइल को चेक करने का तरीका सिंपल सा मैं आपको बता दूँ, एकदम ईजी में मैं बताऊँगा, कहीं भी आप कन्फ्यूज़ नहीं होने वाले हैं। कॉइल को चेक करने के लिए भी सेम मल्टीमीटर को आपको बीप रेंज में सेट करना है, और इसे दोनों साइड लगा देना है। अगर जब आप दोनों साइड लगाते हैं और आपका मल्टीमीटर बीप कर रहा है, इसका मतलब आपका कॉइल पूरी तरह से ओके है। ये देखिए बीप कर रहा है, ये देखिए बीप कर रहा है। अब कॉइल फॉल्ट कैसे है या फॉल्टी कैसे है कॉइल में, ये कैसे पता करेंगे, इसके लिए भी पता करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता दूं, कोई भी कॉइल ग्राउंड के साथ बीप नहीं करना चाहिए। ये देखिए ग्राउंड के साथ बीप नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कॉइल ओके है। अगर ग्राउंड के साथ बीप करेगा तो कॉइल फॉल्टी है। आपको कैपेसिटर और कॉइल समझ में आ गया। तीसरा जो डाउट रहता है लोगों का वो है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस को कैसे पहचाने, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेजिस्टेंस, एक एक करके करते जाएंगे। थर्ड नंबर में आता है हमारा रेजिस्टेंस। जहाँ पर भी रेजिस्टेंस होगा उसके साइड में R लिखा होता है, उसे R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ पर, मैं आपको बता दूँ,
रेजिस्टेंस को जनरली चेक करने के लिए आपको मैं बता दूं यहाँ पर R लिखा होता है, जैसे कि आप देखेंगे ये देख सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप ये R लिखा हुआ है और यहाँ पर रेजिस्टेंस है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये शायद अब आपको दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं ये R लिखा हुआ है और ये साइड में रेजिस्टेंस है। इसको चेक करने के लिए क्या करना है हमें, इसको चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को रखना है ओम पर। अब ओम को कैसे पहचाने, तो ओम का देख सकते हैं यहाँ पर जो लोगो बोल सकते हैं या जो भी बोल सकते हैं, ये ओम का लोगो है। तो मल्टीमीटर को ओम पे सेट कर देंगे और रेजिस्टेंस के एक साइड में रखना है आपको रेड को और एक साइड में रखना है ब्लैक को। तो ये मैंने रखा रेजिस्टेंस के एक साइड में रेड को और एक साइड में रखा ब्लैक को। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 65 किलो ओम। अब इसको चेंज करते हैं और इधर से करते हैं, दूसरे साइड से चेक करें तो कितना दिखा रहा है, 74 किलो ओम। ये डिफरेंट दिखा रहा है। तो इसीलिए जब भी आप रेजिस्टेंस को चेक करेंगे, आपका डाउट है अगर रेजिस्टेंस ख़राब है या ओके है या जो भी है करके, तो आपके अगर इस रेजिस्टेंस को बाहर निकाल लेना है फिर उसकी वैल्यू चेक करनी है। रेजिस्टेंस को आप बाहर निकालेंगे और उसकी वैल्यू सेम एक साइड रेड एक साइड ब्लैक करेंगे तो हो सकता है आपको वैल्यू सही दिखा दें। सो ये पॉइंट पे आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब फोर्थ पॉइंट जो चेक करने का है, जिसमें लोगों का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, वो है MOSFET। MOSFET को चेक करने से पहले मैं आपको कुछ डिटेल बता दूं इसमें, क्योंकि जब तक आप इसे नहीं समझेंगे आप नहीं समझ पाएंगे कि MOSFET को कैसे चेक करना है। ये हमारा MOSFET हो गया, जहाँ पर भी MOSFET होगा वहाँ पर P लिखा होगा, PQ लिखा होगा या PU लिखा होगा, उसका मतलब समझ जाइए MOSFET होता है। MOSFET का जो डिज़ाइन है मैं आपको बता दूँ, ये होता है जनरली 8 पिन का होता है जो हम चेक करते हैं। इसमें आपको दिया होगा दोस्तों एक जगह पे ऐसा गोल सा दिया होगा, तो जहाँ पर से ये गोल दिया हुआ है वहाँ से लेके आपके 3 पिन तक ये होते हैं सोर्स, इसे कहा जाता है सोर्स। ये जो लास्ट वाला है इसे कहा जाता है गेट, और इन चारों को कहा जाता है ड्रेन। इतना समझ में आ गया, जहाँ पर ये MOSFET होगा ऐसा गोल सा बना हो रहता है MOSFET में, और उसे PQ या PU से रिप्रेजेंट किया जाता है। लास्ट वाले पिन को कहा जाता है गेट और इसे कहा जाता है ड्रेन। अब इसमें दो चीज़ और होते हैं, एक होता है P चैनल और दूसरा होता है N चैनल। अब ये कौन सा चैनल का है वो आप उसका मॉडल नंबर से पता कर सकते हैं, बट मल्टीमीटर से भी चेक करना हो तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले MOSFET को चेक कैसे करते हैं वो देख लीजिए। तो यहाँ पर एक आध MOSFET में आपको निकाल के दिखाने वाला हूँ, ये देख सकते हैं ये MOSFET है। यहाँ पर आपको एक देख रहे होंगे गोल मार्क, जैसे कि मैंने इमेज में बताया है, ये देख लीजिए, ये इमेज को अच्छे से देख लीजिए। अब ये गोल मार्क है, इस मार्क से लेके 3 पॉइंट तक सोर्स है और ये जो है ड्रेन है। आप सोर्स और ड्रेन को याद रखें, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, मल्टीमीटर को रखना है हमें डायोड रेंज पे, ठीक है दोस्तों। अब डायोड रेंज क्या होता है, ये मल्टीमीटर है हमारा, ये बीप रेंज में आए, तो ये जो है जनरली ये बीप का मार्क है, बट इसे क्लिक करूँगा तो ये डायोड का रेंज बन गया। अब चेक कैसे करना है ये भी देख लीजिए ना, हमको क्या करना है, ब्लैक को रखना है ड्रेन में, और ड्रेन किस साइड का है, यहाँ पर जैसे कि आपको पता ऊपर मार्क है तो ये ड्रेन होगा। ड्रेन में रखा मैंने ब्लैक को और रेड को रखा मैंने सोर्स पे, ये तो मल्टीमीटर में क्या वैल्यू आ रहा देख रहे हैं, ये देखें वैल्यू आ गया 500। आप इसका अपोजिट कर दीजिए, मैं सोर्स ड्रेन में रखूँगा, सॉरी सोर्स में रखूँगा ब्लैक को और ड्रेन में रखूँगा रेड को, तो वैल्यू नहीं आया, इसका मतलब ये MOSFET ओके है। मैं आपको और एक डिटेल में बता देता हूँ, ये मैंने डायग्राम में आपको समझाया था, डायग्राम के हिसाब से समझाता हूँ। तो ये देखें ये जो डॉट है, ये डॉट तीन सोर्स है, तो सोर्स में रखना है आपको इसमें ब्लैक वाले पिन को और ड्रेन में रखना है रेड वाले पिन को, तो मल्टीमीटर में वैल्यू दिखाएगा, फिर जब आप अपोजिट करेंगे तो वैल्यू नहीं दिखाएगा, इसका मतलब आपका MOSFET ओके है। अगर ये मैंने रखा मल्टीमीटर में वैल्यू दिखा दिया, फिर मैंने ऐसा किया तो मल्टीमीटर वैल्यू दिखा दिया, तो हमारा MOSFET फॉल्टी है।
हमको मॉस्फेट को चेंज करना पड़ेगा। अब बात आती है पी चैनल एन चैनल, इसको कैसे पहचाने। अब देखिए दोस्तों, जब आप ड्रेन में रखेंगे ब्लैक को और सोर्स में रखेंगे रेड को, तो मल्टीमीटर में वैल्यू दिखाएगा। याद रखिएगा, मैं यहाँ पर से बताता हूँ। जब ड्रेन में रखेंगे आप ब्लैक को, ब्लैक पिन को, और सोर्स में रखेंगे रेड पिन को, और मल्टीमीटर सेट होगा हमारा डायोड रेंज में, तो अगर ऐसे कंडीशन ड्रेन में रखते हैं ब्लैक को और सोर्स में रखते हैं रेड को और मल्टीमीटर में वैल्यू दिखाता है, तो ये एन चैनल है। इतना समझ में आ गया आपको। और जब हम ड्रेन में रखेंगे रेड को और सोर्स में रखेंगे ब्लैक को और वैल्यू दिखाता है, तो ये पी चैनल है। बस इतना ही है दोस्तों। अगर आपने इस थ्योरी को समझ लिया, मतलब समझिए आप मॉस्फेट को समझ गए, अगर आप ये नहीं समझे हैं तो मुझे नहीं लगता आपको ज़िंदगी में कोई समझा पाएगा कि एन चैनल पी चैनल कैसे पहचाने और मॉस्फेट को चेक कैसे करते हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हमारा वो है डायोड, जिसका काम होता है वन वे करेंट फॉलो करना, वन वे करेंट फ्लो करना। अब वो क्या काम होता है वो बाद की बात है, उससे बाद में समझेंगे, बट सबसे पहले यहाँ पर टेस्टिंग की बात हो रही है तो उसको ही ध्यान दें। सो जहाँ पर हमारा डायोड होगा उसके साइड में जनरली डी लिखा हुआ होता है, वही उसका पहचान है, उसे डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैं यहाँ पर भी आपको जूम करके दिखा दूँ, तो जैसे कि आपको शायद अब क्लियरली दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं कि ये डायोड के जो बाजू में है ये इसे डी से रिप्रेजेंट किया गया है। जहाँ पर भी डी लिखा है मतलब ये हमारा डायोड है। अब डायोड को टेस्टिंग कैसे करना है, जैसे कि मैंने मॉस्फेट में बताया था कि डायोड रेंज में चेक करके हमने क्या किया था कि डायोड में एक साइड वैल्यू दिखाता है, एक साइड वैल्यू नहीं दिखाता है। तो यहाँ देख सकते हैं डायोड रेंज में हमारा मल्टीमीटर सेट है। अब क्या करना है, इसको जनरली यहाँ पर लगा देंगे आप, एक को ब्लैक में एक को रेड में। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ वैल्यू आ रहा है, और सेकेंड साइड से भी वैल्यू आ रहा है। तो एक बार अच्छे से लगाते हैं, ये एक बार बंद करता हूँ मैं, फिर चालू करता हूँ, शायद मेरे मल्टीमीटर में दिक्कत हो। ये देख सकते हैं अभी सही आ रहा है, ये यहाँ पर देख सकते हैं 100 के आसपास इसका वैल्यू आ रहा है। ओह सॉरी दोस्तों, माफ़ करना, ये बीप रेंज में है, इसे डायोड रेंज में सेट करना है। अब देखते हैं, ये आया 72 के आसपास वैल्यू, 0.72, और सेकेंड साइड आ रहा है 58, मतलब ये डायोड जो है हमारा ख़राब है। यहाँ पर एक और डायोड लगा है, इसे चेक करके देख लेते हैं, ये एक साइड आया, एक साइड वैल्यू नहीं आ रहा है, सेकंड साइड से चेक करेंगे तो वैल्यू आ गया। देख सकते हैं दोस्तों, एक साइड देख सकते हैं आप वैल्यू दिखा रहा है, और सेकंड साइड से जब हम चेक करते हैं तो वैल्यू नहीं आ रहा है, ओवर लिमिट दिखा रहा है। ये अच्छा हो रहा है कि आपके केस में जब मैं समझा रहा हूँ तो एक फॉल्टी भी मिल रहा है, एक अच्छा वाला भी मिल रहा है। तो देख सकते हैं जहाँ फॉल्टी होगा वहाँ पर दोनों साइड वैल्यू आएगा, ये देखें दोनों साइड वैल्यू आ रहा है, बट जो ओके होगा एक साइड ओवर लिमिट दिखा रहा है आपको और सेकेंड साइड वैल्यू दिखा रहा है। तो डायोड को आपने समझ लिया। अब दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। मैंने आपको 5 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, और ये ऐसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक है जो जनरली सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं, इसमें से जो सबसे ज़्यादा ख़राब होता है मैं आपको वो भी बता दूँ, वो होता है हमारा मॉस्फेट और हमारा कैपेसिटर, ये दोनों ही सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं। डायोड का चांस 50% रहता है, कई बार ये 100% बोल सकते हैं ना, अगर शॉर्टिंग के कंडीशन में हो या डेड कंडीशन में, तो ये दोनों ही ख़राब होते हैं। रेजिस्टेंस आपको नो डिस्प्ले या ब्लिंकिंग या कुछ भी ऐसे नॉर्मल प्रॉब्लम जो चालू हो रहा है फिर बंद हो जा रहा है, उन दिक्कतों में आता है। कॉइल का चांस लगभग मैं बोलूँ आपको 1% के आसपास है जो ख़राब होता होगा। जो मेन आपका मेजर ख़राब होता है वो है मॉस्फेट। मॉस्फेट को अगर आप आज समझ गए हैं तो मेरे ख्याल से लगता है कि आप 50% मदरबोर्ड को रिपेयर करना सीख जाएंगे। अगर आप मॉस्फेट को नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप लैपटॉप के मदरबोर्ड की या कंप्यूटर के मदरबोर्ड को समझ पाएंगे और उसे कंप्लीट कर पाएंगे। दोस्तों
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में और कोई आपका डाउट हो जिसे मैं आपको चाहते हैं कि डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊँ या और उन पर वीडियो बनाऊँ और भी ज़्यादा डिटेल में, सो कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए या तो फिर नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।